Hello champions, great morning. Champions, this morning is not gonna be good for you. It's gonna be great for you. Because today we are gonna talk about our brain. हमारे दिमाग के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमारा ये दिमाग कैसे काम करता है. How does it work? हमारा जो brain है, जो super power है, इसको हम कैसे utilize करें. और एक word मैंने use किया champion. Champion, what does it mean? What the word champion means? Champion means, ए यार मेरे इस दुनिया में ऐसी तो कोई बात नहीं जिसका सवेरा ना हो, ऐसी तो कोई रात नहीं. जो लोग यहाँ आगे बढ़ते जाते हैं वे लोग यहाँ कहलाते हैं चैम्पियन चैम्पियन चैम्पियन. माना कि गम की धूप बड़ी है, मायूस मगर तू मत होना. सोना जितना आग में तपता है उतना ही निखरता है. ये रात अभी ढल जाएगी, तेरी मंजिल तुझे मिल जाएगी. वो ख्वाब जो तूने देखे हैं पूरा उन्हें अब करना है. जो आगे बढ़ते जाते हैं वे लोग यहाँ कहलाते हैं चैम्पियन चैम्पियन चैम्पियन. सो चैम्पियंस, डू यू थिंक दैट योर मेमोरी इज डिक्रीजिंग डे बाई डे? क्या आपको लगता है कि आपकी मेमोरी कमजोर है या कमजोर होती जा रही है? क्या आप पढ़ते तो रहते हैं लेकिन कुछ याद ही नहीं होता? क्या आपको याद तो हो जाता है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जैसे एंटर करते हैं तो सब भूल जाते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे आप सारे के सारे सिलेबस को पेज नंबर सहित याद कर लें? तो आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि अगले एक घंटे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है एंड हाउ कैन वी यूज मोस्ट ऑफ इट. क्योंकि अगर इसके बारे में आपको अगर पता है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं. वट एवर डिसीजन यू टेक यू कैन गेट इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो हाउ इट वर्क्स. ओके, सो जहाँ कहीं भी आपका ध्यान है उसको खींच कर एक बार यहाँ पे ले आइए. और जो भी मैं कह रहा हूँ वो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज के आदमी के पास सुख सुविधाओं के लिए तो बहुत कुछ है. उसके पास सोफा सेट है, टीवी सेट है, डिनर सेट है, डायमंड सेट है, यहाँ तक कि टी शर्ट भी है. बस एक माइंड ही अपसेट है, बाकी सब कुछ तो सेट है. तो माइंड अगर अपसेट है तो पूरा करियर आपका अपसेट है. माइंड अगर अपसेट है तो पूरी बॉडी आपकी अपसेट हो जाएगी. तो आपको क्या करना है, पहले अपने माइंड को सेट करना है. लेकिन कैसे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आज. ठीक है, तो थोड़ा सा गौर करके सुनिए, थोड़ा सा शांत वातावरण में सुनिए, पूरा कंसंट्रेट होकर आपको सुनना है. ठीक है, चलिए दोस्तों, मुझे एक बात आप बताइए कि जो भी कुछ हम याद करते हैं वो स्टोर कहाँ होता है? कोई भी चीज़ जब हमने याद की तो वो स्टोर कहाँ होता है? आपके पास में दो ऑप्शन आ रहे होंगे, ब्रेन और माइंड. आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? ब्रेन और एंड माइंड आर दे सेम? क्या वो एक ही है ब्रेन और माइंड, या अलग अलग है? दे आर डिफरेंट. ब्रेन एंड लाइक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है ना कंप्यूटर में, तो सॉफ्टवेयर इज माइंड एंड हार्डवेयर इज आवर ब्रेन. तो कोई भी चीज़ जब हम याद करते हैं तो वो स्टोर कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में. इन 1981 देर वॉज अ साइंटिस्ट कॉल्ड रोजर स्पेरी एंड ही डिड मैनी रिसर्चेज ऑन आवर ह्यूमन ब्रेन एंड गॉट द नोबल प्राइजेस. सो ही टोल्ड इन हिज रिसर्च दैट हमारा जो ब्रेन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन. लेफ्ट ब्रेन हैज 10% ऑफ कैपेसिटी एंड राइट ब्रेन हैज 90% ऑफ इट. जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है जिसके पास कम कैपेसिटी है. जब हम मूवी देखते हैं या कोई भी एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, जब हम खेलते हैं, जब हम सोते हैं, जब हम दोस्तों से बातें करते हैं, देन आवर राइट ब्रेन वर्क्स एंड इट हैज 90% ऑफ कैपेसिटी. दोस्तों इसीलिए हमें याद नहीं रह पाता, इसीलिए हम बार बार भूल जाते हैं. अच्छा एक बात मुझे और बताओ कि जब भी हमको मूवी देखते हैं तो मूवी तो हमें याद हो जाती है. जैसे मान लो कि इफ़ आई टेक ए नेम ऑफ ए मूवी लाइक थ्री इडियट्स, व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन आई से थ्री इडियट्स? द कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी, सम डायलॉग्स आर ऑल्सो कमिंग इन योर माइंड द डे व्हेन यू वॉच दिस मूवी. तो सारा कुछ आपको धीरे धीरे याद आ जाता है. डिड यू रियली वॉन्ट टू मेमोराइज दैट मूवी? जब आपने ये मूवी देखी तो क्या आपने इसको याद करने के लिए देखा कि बस एक एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए देखा? याद करने के लिए नहीं देखा, केवल टाइम पास के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आपने देखा कि मूवी आई है चलो देख लेते हैं. बट दैट मूवी इज स्टिल इन योर माइंड, अभी भी वो मूवी आपके माइंड में एज इट इज है.
अगर आपके सामने वो मूवी मैं चला दूं तो आपको आगे जाके पता रहेगा कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये आएगा, अब ये कहेगा, अब ये होगा. एवरीथिंग इज इन योर माइंड. बट उसी दिन, जिस दिन आपने मूवी देखी थी, उसी दिन आपने कुछ स्टडी भी की होगी, कुछ पढ़ाई भी की होगी, उसके आसपास कुछ आपने क्लासेस भी ली होंगी, कुछ आपने नोट्स भी बनाए होंगे, कुछ आपने क्वेश्चंस भी निकाले होंगे, कुछ आपने याद भी किया होगा स्टडी से रिलेटेड. कैन यू टेल मी दैट? क्या आप वो मुझे बता सकते हैं? थोड़ा सा सोच के देखिए कि आज से 3 साल पहले आपने जो मूवी देखी थी, आज भी आपको वो याद है, बट 3 साल पहले, जो 3 महीने पहले जो आपने स्टडी की है, क्या वो आप मुझे बता सकते हैं? जबकि हम स्टडी को याद करने के लिए हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, और मूवी को हम टाइम पास के लिए देखते हैं, लेकिन मूवी हमारे दिमाग में फिट हो जाती है और जो स्टडी, जो काम की चीज़ है, वो हमें याद नहीं रहती है. जबकि हम इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम इसको याद करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें याद हो रही है. ये क्या है? एक ही आदमी है, उसका ब्रेन अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है. बिकॉज द वेज आर डिफरेंट. इधर एंटरटेनमेंट में जब भी आप लोगे तो हमारा राइट ब्रेन काम करेगा, जिसके पास 90% कैपेसिटी है. जब स्टडी हम करेंगे तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करेगा, जिसके पास 10% कैपेसिटी है, तो वो रिजल्ट भी उतना ही प्रोड्यूस करेंगे. दोस्तों, मैं 25 to 30 days में आपकी मेमोरी को इस तरह से ट्रेन कर सकता हूँ कि जो 90% वाला पावर है, जो मूवी में काम करता है, एज वेल एज ये स्टडी में भी काम करेगा, और दोनों मिलकर 100% रिजल्ट देंगे. इसका छोटा सा नमूना मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये तो जान लें कि हमारे 2 ब्रेन होते कि नहीं होते. बिकॉज वेन वी टच ऑन आर हैड, वी फील दैट देर इज ओनली 1 head और 1 brain. हमारे तो एक, हम वी कैन फील दैट वी हैव 2 hands, वी कैन फील दैट वी हैव 2 eyes, 2 ears, 2 legs, everything. बट हाउ डू वी बिलीव दैट वी हैव 2 brains? हमें तो एहसास करवाओ सर, हमें तो पता ही नहीं है 2 brain, हमने तो कभी देखा नहीं. या तो फिर इसको काट के आप दिखाओ कि देखो एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है. तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है? तो किसी के साथ कर मत देना ऐसा कि देखते हैं इसके दिमाग में, इसके हैंड में कितने ब्रेन है, लेफ्ट और राइट. मैं आपको थोड़ा सा एहसास करवा देता हूँ, अगर ये आपके साथ होता है तो आप समझ जाना कि हमारे 2 brain हैं, ठीक है? कई बार ये एहसास करते हैं हम कि लेफ्ट और राइट 2 brain हैं. थोड़ा सा एहसास करवाता हूँ कि आपको पता चल जाए कि हाँ यार, वास्तव में कहीं ना कहीं 2 चीज़ें हैं हमारे अंदर, 2 brain हैं हमारे अंदर, ठीक है? चलिए, तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ जुनून आता है, कुछ आग लगती है सीने में, और कुछ करने का मन करता है, कुछ कर गुजरने का मन करता है कि यार मुझे भी कुछ करके दिखाना है, मुझे भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाना है, मुझे भी अपना गांव का नाम रोशन करके दिखाना है, मुझे भी अपने देश का नाम करके दिखाना है, कुछ ना कुछ तो करके जाना है. इस भीड़ में आके यूं ही नहीं चले जाना है, कुछ ना कुछ तो मुझे जिंदगी में झंडा लगा के जाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी याद करें. और अंदर से कुछ जुनून आता है, कुछ मोटिवेशनल हम मूवी हम देख लेते हैं, या मोटिवेशनल सॉन्ग हम सुन लेते हैं, या किसी इंस्पिरेशनल स्पीकर से हम मिल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे भी वैसे ही वाइब्स आने लगते हैं कि हमें कुछ करना है. आप भागे भागे जाते हैं ये सोच के, अपने रूम में बैठते हैं, टेबल और चेयर के ऊपर बैठते हैं, एक ब्लैंक पेज लेते हैं, और क्या बनाते हैं? यू मेक 1 thing, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड टाइम टेबल. क्या बनाते हैं आप? टाइम टेबल. हैव यू एवर मेट दिस टर्म, टाइम टेबल? कल से मुझे ये करना है, कल से मुझे 5 से 6 ये करना है, 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 ये करना है, पूरे दिन का हम शेड्यूल बनाते हैं. क्या किया है आपने कभी? अच्छा, मुझे यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, बट दिल से बताइएगा कि जो भी टाइम टेबल आप बनाते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट? कितने टाइम तक ये चलता है आपका? हो सकता है आपका ये टाइम 2-3 महीने तक चले, ज़्यादा बोल दिया शायद मैंने. हो सकता है आपका 2-3 दिन तक चले, हो सकता है आपका 2-3 घंटे तक ही चले, हो सकता है आपका 2-3 मिनट ही चले. हो सकता है कभी कभी आप 7-8-10 दिन 15 दिन भी खींच जाते हैं, कभी हो सकता है कि 1 दिन भी नहीं चलता. तो ऐसा क्यों होता है? अब आप मुझे बताइए कि जो टाइम टेबल आप बनाते हैं, अगर वो किसी तरह से आपका वो टाइम टेबल फॉलोअप हो जाए, अगर आप उसको फॉलो कर लें, मान लो आपने 1 साल के लिए अपना टाइम टेबल बनाया, किसी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं, और 1 साल का गोल आपने बनाया, और उसके हिसाब से आपने टाइम टेबल सेट कर लिया कि मुझे ये करना है, रेगुलरली मुझे ये करना है, और अगर आप उसको किसी भी तरीके से कर जाओ, उस टाइम टेबल को फॉलो कर लो, तो आप मुझे बताइए क्या आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते? क्या आप उसमें सफल नहीं हो सकते? क्या वो गोल आप अचीव नहीं कर सकते? यस, यू कैन गेट दैट गोल, बट आप नहीं करते. आप उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते? हु इज स्टॉपिंग यू? कौन आपको रोक रहा है उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए? क्या आप
या आपके आपकी फैमिली आपको रोक रही है, क्या आपके पेरेंट्स आपको रोक रहे हैं, क्या आपके फ्रेंड्स आपको रोक रहे हैं, या आप खुद आपको रोक रहे हैं? जी, आप खुद आपको, और नॉट ओनली यू, इट्स योर ब्रेन, एंड नॉट ओनली योर ब्रेन, इट्स राइट पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जो आपको उस टाइम टेबल को फॉलो करने से रोकता है, जो आपको गोल अचीव नहीं करने देता है। यस, ये आपका ही ब्रेन है जो 90% वाला पावर है, यही आपको नहीं करने देता। कैसे नहीं करने देता, मैं थोड़ा सा एग्जांपल और आपको बताता हूँ कि जब हम रात को बना रहे होते हैं टाइम टेबल की, भैया मुझे कल 5 से 6 ये करना है, 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 ये करना है, पूरा टाइम टेबल आप बना लेते हैं कि कल से मुझे अपनी जिंदगी चेंज करनी है, लाइफ चेंज, किसी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, मुझे केवल ये करना है, इसको फॉलो करना है, दीवार पर आपने चिपका दिया और उसको हमें फॉलो करना है कि मुझे भैया इसको फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर की हो जाए, इस टाइम टेबल को मुझे फॉलो करना है, बस अब यही जीवन में मुझे करना है। पूरा मतलब अंदर से पूरा पॉजिटिव वाइब्स आपको देखती है और ऐसा लगता है कि यार कल से तो कर ही जाएंगे, बस जिंदगी चेंज, सब सारे के सारे जो फ्रेंड्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह, गेम वगैरह कुछ नहीं खेलना है, सब केवल इस टाइम टेबल पे ऊपर हम डिपेंड रहना है, इसी को फॉलो करना है, एक एक मिनट का हमें ध्यान रखना है, देखते हैं कैसे गोल अचीव नहीं होता है, होता है। और जैसे ही आप सो जाते हैं, चलो ठीक है आप सो गए, कल से सुबह मुझे 4 बजे उठना है, ये करना है, या 5 बजे उठना है, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है। अब जैसे ही आपकी 4 बजे सुबह आँख खुलती है, आपने अलार्म सेट किया होता है, उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले ही आँख खुल जाती है, या अलार्म बजने के बाद में भी आपकी आँखें खुलती है, तो देखो उस मोमेंट में क्या होता है, थोड़ा सा सोचिएगा, गौर से सुनिएगा। तो जैसे ही आपकी आँखें खुली तो आपके अंदर से आवाज़ आती है कि यार उठो और कल जो हमने डिसाइड किया था, जो टाइम टेबल आपके सामने दिख रहा है, उसको फॉलो करो, उठो और उसको करो। आप उसको उठते हैं और उसको फॉलो कर लेते हैं डे बाय डे और वन बाय वन आप करके, और उसको पूरा फॉलो कर लेते हैं इवनिंग में सुकून से कि यार फॉलो कर लिया, यस मजा आ गया, जिंदगी चेंज हो गई, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं ये पूरा गोल करके रहूँगा, ये अचीव करके रहूँगा, पूरा अच्छे से आपका मोटिवेशन मिलता है, खुद को आप सेल्फ मोटिवेट करते हैं। लेकिन जैसे आप अगले दिन सो रहे होते हैं तो आपको वापस लगता है कि यार कल मुझे वापस मजा आ गया, कल मुझे इसको फॉलो करना है। अगले दिन वापस आपकी 5 बजे आँख खुलती है और जैसे आपकी आँख खुलती है आपके अंदर से आवाज़ आती है कि उठो और आज भी अपना गोल पूरा करो। तो आप उठने ही वाले होते हैं लेकिन अंदर से एक और द्वंद चलता है, एक और आवाज़ आती है, दुनिया की सबसे मीठी लाइन आपके सामने आती है, और वो लाइन क्या है कि 5 मिनट थोड़ा सा और सोए। किसी को 5 मिनट का आता होगा, किसी को 2 मिनट का आता होगा, किसी को 1 घंटे के लिए आता होगा, किसी को कुछ आता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर से एक एक वाइब्स आती है कि यार 5 मिनट के लिए और सो लेते हैं। 5 मिनट में ऐसा क्या हो जाएगा, 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट बाद में उठेंगे और पढ़ेंगे या जो भी करना है वो करेंगे, 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट के लिए हम सो जाते हैं और 5 मिनट बाद उठेंगे, लेकिन आप नोटिस करिएगा उसी टाइम वापस अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार उठना है और पढ़ना है, उठना है और उसको फॉलो करना है, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। लेकिन वापस अंदर से आपके आवाज़ आती है कि नहीं यार 5 मिनट सो लेते हैं, 5 मिनट में क्या जाएगा, देखो रात को हम लेट सोए थे और कल हमने गोल भी पूरा कर लिया था, तो हमारे पास टाइम है आगे तो हम कर लेंगे, तो 5 मिनट के लिए सो जाते हैं। तो वो ब्रेन हमारा क्या करता है, ये जो राइट ब्रेन है ये कहता है 5 मिनट के लिए सो जाते हैं, अंदर से वापस आवाज़ आती है कि नहीं यार उठना है, करना है, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं समझता है, ये हमारा भला और बुरा नहीं समझता है राइट ब्रेन, ये वो करता है जिसमें इसको मजा आता है, बट इट हैज़ मोर पावर देन दिस। तो ये हमें 5 मिनट के लिए सुलह देता है और वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं ये पता ही नहीं चलता, और ऐसा रोज हमारे साथ होता है, एंड दैट्स वाई वी कांट फॉलो द टाइम टेबल। अब इनकी 3 स्टेट ऑफ माइंड होती है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, 36 स्टेट ऑफ माइंड, 63 स्टेट ऑफ माइंड एंड 93 स्टेट ऑफ माइंड। देर आर 3 स्टेट ऑफ माइंड लेफ्ट और राइट ब्रेन की। तो मान लो कि कोई बाइक है, उसका एक पहिया इधर जा रहा है और एक पहिया इधर जा रहा है, तो बाइक कहीं पहुंच पाएगी क्या? मान लो एक बाइक है और उसका एक पहिया इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड वन व्हील इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दे आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो गाड़ी तो जहां है वहीं अटक जाएगी। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है, हम सोचते तो हैं कि ये जो जीवन रूपी गाड़ी है इसको हम कहीं ना कहीं पहुँचाएं, हम जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाएं, बट हमारा एक पहिया यानी कि जो लेफ्ट ब्रेन है वो अलग डायरेक्शन में सोच रहा है, वो हमें भले की सोच रहा है, और राइट ब्रेन हमें कुछ अलग ही सोचवा रहा है कि अभी मूवी देख लेते हैं, अभी सो जाते हैं, अभी खेल लेते हैं, आज घूम के आ जाते हैं, आज फ्रेंड से बात कर लेते हैं, और ये कहता है नहीं पढ़ते हैं, ये करते हैं, हमारा इससे हमें गोल अचीव होगा, अच्छा भी हमें ध्यान है कि मुझे ये करना है, लेकिन ये चीज़ें हमें खींचती हैं
एंटरटेनमेंट की तरफ हम और आकर्षित होते जाते हैं, तो ये 90% वाला पावर हमें हमारे गोल तक नहीं पहुंचने देता। एंड 90% पीपल आर इन दिस स्टेट ऑफ माइंड, 36 स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं वो, केवल दुनिया में आते हैं और इन पहियों के बीच में जकड़ के और चले जाते हैं। 90% पीपल आर इन दिस, ये मेरी रिसर्च नहीं है, यू कैन गूगल इट, ये फैक्ट्स हैं कि यही हो रहा है हमारे साथ। 63 स्टेट ऑफ माइंड में क्या होता है, दोनों ब्रेन कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि यार अभी मुझे 6 घंटे में पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर 2 घंटे में खेल लूँगा या मूवी देख लूँगा, तो ये इसमें भी 2% लोग ही आते हैं। सॉरी, 2% लोग ही ये कर पाते हैं, वही टाइम टेबल वाली बात, बट ये नहीं फॉलो कर पाते हैं। टॉप स्टेट ऑफ माइंड होती है 93 स्टेट ऑफ माइंड, इसमें दोनों जो व्हील्स हैं, दोनों जो पहिए हैं, वो एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और गाड़ी कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। एंड 8% पीपल आर इन दिस स्टेट ऑफ माइंड। टॉप मोस्ट सक्सेसफुल लोग जो हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, अमिताभ बच्चन, एनीबडी, ओके, उनका जो लेफ्ट ब्रेन कहता है वही राइट ब्रेन करता है और उनकी गाड़ी कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है। अगर आप भी अपनी गाड़ी को कहीं पहुंचाना चाहते हैं तो हमें ये जो दोनों ब्रेन हैं इनको एक ही डायरेक्शन में लाना चाहिए। जो लेफ्ट ब्रेन कह रहा है वही हमें राइट ब्रेन को करवाना पड़ेगा। लेकिन कैसे, मैं ये 25 to 30 डेज में, ये देखो इतना तो मैं कर सकता हूँ कि आपकी जो बुक्स है, आपकी जो स्टडी है, उसमें आपका ये राइट ब्रेन काम करने लग जाएगा इजीली, ओके। एंड इसके बाद में भी आपकी माइंड ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से आप गोल अचीव करें, तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा। बट आपको अभी मैं केवल स्टडी के ऊपर फोकस रखूंगा कि स्टडी में आप इसको इजी वे में आप इसको काम में ले सकते हैं, 90% ऑफ द पावर, ओके। चलिए तो एक छोटा सा हम डेमो कर लेते हैं, एक बार आपको थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि वास्तव में यार हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, ये तो हम जानते हैं, बट क्या हम उसको यूज कर सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं कि उसको काम में कैसे लेना है? यस, वी कैन लर्न इट, ओके। देखो, मेमोरी किसी की ज़्यादा और कम नहीं होती, केवल जानने और ना जानने का फर्क होता है। मेमोरी नहीं, हर चीज़ में आप देख लो, जो जानता है वो करता है, जो नहीं जानता है वो सीख के कर सकता है। चलिए तो अगर मैं बात करूं तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड है, वर्ड्स और डिजिट। अगर मैं कहूं आज से 35 साल पहले क्या था, तो कुछ भी नहीं था, केवल गुरु मुख से कहता और शिष्य को याद हो जाता। इतना ही नहीं, गुरु जी समय समय पर उनकी परीक्षा भी लिया करते थे, ना पेन होता था, ना लेटर होता था, ना कुछ कॉपी होती थी, ना AC होता था, ना क्लासरूम होता था, केवल प्रकृति की गोद में बैठकर ही शिक्षा का आदान प्रदान होता था। गुरु मुख से कहता और शिष्य को याद हो जाता। इतना ही नहीं, गुरुजी उनके समय समय पर परीक्षा भी लिया करते थे, पूछते थे कि 8वें मंडल की 42वीं रचना कौन सी है, तो शिष्य तुरंत संस्कृत के श्लोक बोलना स्टार्ट कर देते थे, उंगलियों पे उन्हें याद रहते थे सारे के सारे श्लोक्स। जब आज से 3500 साल पहले इंसान की मेमोरी इतनी तेज थी, तो आज क्यों नहीं है? आज भी है, लेकिन इंसान अपने मस्तिष्क के रहस्य से बेखबर है, उसे पता ही नहीं है कि हमें उसे यूज कैसे करना है। जैसे 8वें मंडल की 35वीं रचना, तो उनके संस्कृत के श्लोक बोलना वो स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हो सकता है हमें श्लोक याद नहीं करना है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, वर्ड्स और डिजिट, ये दो चीज़ें हैं हमारे कोई भी बुक आप खोलेंगे तो ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी, वर्ड्स और डिजिट। वर्ड से क्या होता है, कई वर्ड्स आप मिलाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा, सेंटेंस से आपका पैराग्राफ बन जाएगा, पैराग्राफ से आपका पेज बन जाएगा, पेज से आपकी किताब बन जाएगी। डिजिट से क्या होता है, कोई भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन बन जाती है कि इसकी वैल्यू यह है, इसका स्क्वायर है। तो क्या चीज आपको हार्ड लगती है, आर वर्ड्स मोर हार्ड टू मेमोराइज और आर डिजिट्स मोर हार्ड टू मेमोराइज? डिजिट्स ज्यादा हार्ड है मेमोराइज के लिए या वर्ड्स ज्यादा हार्ड? जैसे मान लो कि ये पूरा व्हाइट बोर्ड मैं डिजिट से भर दूं तो ज्यादा हार्ड है याद करने के लिए, या वर्ड से भर दूं तो ज्यादा हार्ड है? दोनों ही लगते हैं, ठीक है। बट तो अब एक बार आप वर्ड्स एंड डिजिट, तो डिजिट्स ज्यादा हार्ड लगेगी, ठीक है। तो डिजिट्स में जब भी मैं सेमिनार देता हूँ, हमारा जब लाइव सेमिनार होता है, तो उस सेमिनार में हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड या जो भी रहता है उसको हम पूरा डिजिट्स, ऑडियंस डिजिट्स देती हैं और वो डिजिट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उन डिजिट्स को याद में करता हूँ। जैसे कोई भी मान लो हो गया 9459628853065, ठीक है, जो भी डिजिट्स ऑडियंस बताते रहते हैं, मैं इस तरह से ये डिजिट्स लिखता हूँ और लिखने के बाद में उनसे पूछता हूँ कि इन डिजिट्स को याद करने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो ऑडियंस बोलते हैं कि सर, कोई बोलता है कि सर मुझे 2 घंटे लगेंगे, कोई 1 घंटा, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं, ठीक है। बट जब मैं बोलता हूँ कि इसको फॉरवर्ड में तो याद करना ही करना है, इसको रिवर्स में भी याद करना है, एक लाइन नहीं लिखता, पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड भरता हूँ। अब आप
कैमरे के दूसरी तरफ हैं तो आप मुझे डिजिट्स नहीं बता सकते हैं, बट मैं एक और वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा जिसमें मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करता हुआ आपको दिखूंगा, जिसमें डिजिट्स में मैं ऑडियंस से लूँगा और वर्ड्स भी मैं ऑडियंस से लूँगा और कुछ बुक्स भी मैं आपको बताऊँगा अभी, और वो बुक्स भी उन बुक्स को मैंने पेज नंबर सहित याद किया हुआ है। यानी कि अगर आप पूछेंगे कि पेज नंबर 149 पे क्या लिखा हुआ है, तो 149 पे पूरा का पूरा मैं आपको बता दूंगा कि 149 पे देखो मुझे याद आ रहा है कि सैंड मायर रिएक्शन लिखी हुई है। केमिस्ट्री का पेज है 101 से लेकर 200 तक, और उसमें सैंड मायर रिएक्शन लिखी हुई है, और उसके बाद में कार्बिल एमिन रिएक्शन लिखी हुई है, और कैनिजारो अभिक्रिया लिखी हुई है। तो ये पूरा का पूरा और उसमें पूरा का पूरा मुझे याद आ जाता है कि क्या लिखी हुई है। जैसे तो एक बार इन डिजिट्स की बात कर लेते हैं, फिर मैं अभी बुक्स की बात करता हूँ, बीच में ही वो बुक्स आ गई है ना। तो ये डिजिट्स जब मैं बोलता हूँ कि रिवर्स में भी याद करनी है, फॉरवर्ड में भी याद करनी है, तो उनका टाइम और बढ़ जाता है। चलो टाइम मान लो बढ़ गया, और मैं उनको कहता हूँ कि मान लो कि आपको इसको याद करने में 1 घंटा लगा। अब इसको एक फैक्ट मानिएगा कि मान लो कि आपको डिजिट्स में ही नहीं, कुछ भी आपको याद करने में मान लो 1 घंटा लग रहा है, कोई भी आपने पढ़ाई की आपको 1 घंटा लगा उसमें, तो उसके साथ हो क्या रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिएगा कि 1 घंटा आपको उसको याद करने में लगा, आपने 100% एक्यूरेसी के साथ उसको सुना दिया, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, बीच में से, कहीं से भी आपको उसको सुना दिया, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको 2 महीने बाद में, 2 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, साल भर बाद में पूछूं, तो क्या ये डिजिट्स आपको याद रहेंगी, या क्या वो कंटेंट जो आपने याद किया था वो याद रहेगा? वो याद नहीं रहेगा। क्यों क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आज आप जो याद कर रहे हैं वो आज काम नहीं आएगा, याद तो नहीं रहेगा आपको, तो याद नहीं रहेगा तो आपने ये 1 घंटा क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। क्यों वेस्ट कर दिया? क्योंकि आज आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आज काम नहीं आएगी, आज के साल भर बाद में या 6 महीने बाद में, 2 महीने बाद में जो एग्जाम है उसमें काम आएगी। लेकिन हमारे साथ हो क्या रहा है, हम आज याद कर रहे हैं और 10 दिन बाद में, 20 दिन बाद में, महीने भर बाद में उसको भूल जा रहे हैं, ठीक है। और वापस जब हम उसको रिकॉल करते हैं तो उतना ही टाइम वापस ले रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से हमारा जो राइट ब्रेन है वो दूसरी दिशा में हमें खींच ले जाता है, ठीक है। तो ये 1 घंटा हमने क्या कर दिया? वेस्ट। मानिए आपने अगर 6 घंटे की एक दिन में पढ़ाई की, और 6 दिन बाद में या 6 महीने बाद में अगर वो याद नहीं रहेगी, तो आप क्या कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। और इसी वजह से आपके अंदर से ही आवाज़ आती है कि यार इससे बढ़िया तो मैं खेल ही लेता, इससे बढ़िया तो मैं कुछ और ही कर लेता, क्योंकि जो पढ़ाई 10 दिन पहले की थी वो तो हमें याद ही नहीं है, तो जब एग्ज़ाम आएंगे तब हम याद करेंगे, ठीक है। हमारे पास टाइम पूरा होता है, हमें पता है कि आज से अगर हम याद करें तो 2 महीने के अंदर अंदर हम पूरा कोर्स आराम से याद कर सकते हैं, बट वो याद नहीं रहेगा ना, एग्जाम तक याद नहीं रहेगा। इसी वजह से आपका ब्रेन खुद कहता है आपसे कि नहीं यार अभी नहीं पढ़ते हैं, जब एग्जाम आएंगे तब पढ़ेंगे, और तब हमारी पढ़ाई हो नहीं पाती है ना, या कुछ कुछ और तब भी 2 दिन बाद में फिर हम भूल जाते हैं उसको याद करते हैं, तो सारा का सारा सिलेबस हम एक साथ कवर नहीं कर पाते। और ऐसा ही कुछ होता है वर्ड्स के अंदर भी। वर्ड्स में क्या होता है, एक साथ मैं वर्ड्स लेता हूँ, जैसे 20-30 वर्ड्स मैंने ले लिए, कोई भी वर्ड जो भी ऑडियंस के माइंड में आ रहा है, ऑडियंस मुझे वर्ड्स देती है, उन वर्ड्स को मैंने लिख लिया, नोट आउट कर लिया, और जब मैं उनसे कहता हूँ कि इनको नंबर वाइज याद करना है, कौन से नंबर पे कौन सा वर्ड है, या कौन सा वर्ड कौन से नंबर पे है, वो भी आपको याद रहना चाहिए, तो मैं वर्ड्स का भी इसी तरह से डेमो करता हूँ। उसको केवल 2 से 3 मिनट में उसको आप याद कर सकते हैं। 2 मिनट में अगर जैसे मान लो कि इसको याद करने में, पूरा डिजिट को याद करने में ऑडियंस बता रहे हैं कि सर मुझे तो 2 घंटे लगेंगे, कोई कहता है सर आधा दिन लगेगा, कोई कहता है मुझे 20 मिनट लगेंगे, तो इसी के लिए मैं कहता हूँ कि अगर यही चीज़ आपको 2 मिनट में याद हो जाए, जो चीज़ आपको याद करने में 20 मिनट लग रहे हैं वो केवल 2 मिनट में याद हो जाए, और इस तरह से याद हो जाए कि अगले 2 से 3 घंटे तक आपको, 2 से 3 साल तक आपको याद भी रहे, सॉरी 2 से 3 साल तक, या जब तक आप याद रखना चाहें तब तक वो एज इट इज याद भी रहे। मान लो ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड ये डिजिट से भर दूँ, और उसको याद करने में फॉरवर्ड में, रिवर्स में आपको केवल 2 मिनट का टाइम लगे, और इस तरह से याद रहे कि वो जब तक आप उसको याद रखना चाहें लाइफ टाइम वो आपके माइंड में सेव रहे, तो कैसा हो कि सर बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो ये 100% मनी बैक गारंटी के साथ मैं ये ट्रेनिंग करता हूँ, और कोई भी डिजिट हो आप इजीली उसको याद कर सकते हैं, कोई भी वर्ड हो उसको आप इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ पैटर्न्स की बात करूँगा, क्योंकि देखो अगर मैं डिजिट्स की बात करूँ तो पाई का नाम आपने सुना होगा, पाई कितना होता है, 22/7, 3.14। पॉइंट के बाद में हम 2 ही डिजिट काम में लेते हैं, यूजुअली जब हम पॉइंट के बाद में यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन में हम 2 ही डिजिट लेते हैं, तो 3.14। बट पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये एक अपरिमेय संख्या है पाई, इसकी डिजिट्स पॉइंट के बाद में भी आपके टीचर्स ने बताया होगा इनफाइनाइट तक इसकी डिजिट्स आती हैं, रैंडमली, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें, 3.14159265358, इस तरह से ये डिजिट्स इनफाइनाइट तक इनकी डिजिट्स जा रही है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डिजिट्स हो गई,
तो यहां से काउंट करते हुए 67,890 डिजिट्स चाइना के एक चाउलू नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने 67,890 डिजिट्स याद करके, यहां से अगर ये 67,890 डिजिट्स हैं, यहां से जब आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 12 डिजिट के आगे और है ना, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 67,890 डिजिट्स उन्होंने याद की और फिर बिना देखे रिकॉर्ड कर दी। और ये 2005 में चाइना का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इसके बाद में इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया। इसके नीचे सारे की सारी जो कंट्रीज हैं वो चाइना के नीचे आ गई। लगभग हर देश के रिकॉर्ड बने हुए हैं, हर कंट्री के पाई के रिकॉर्ड्स बने हुए हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो चाइना के नीचे सारे देश आ गए। 2005 में ये रिकॉर्ड बना और इसके बाद में ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। याददाश्त की क्षमता में सबसे बड़ा रिकॉर्ड पाई का माना जाता है, लेकिन 2015 में किसी इंडियन व्यक्ति ने ये रिकॉर्ड जो चाइना के नाम था वो चाइना से तोड़ा और इंडिया के नाम किया, और 70,030 डिजिट उसने याद करके और ये जो चाइना का रिकॉर्ड था वो इंडिया के नाम किया, और जिसने किया वो आपके सामने खड़ा है। जी हाँ, ये 2015 में ये रिकॉर्ड मैंने इंडिया के नाम कर दिया, और अभी भी आप पाई वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट के नाम से चेक कर सकते हैं, या सुरेश शर्मा पाई के नाम से मेरी वेबसाइट है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। 70,030 डिजिट का जो मैंने रिकॉर्ड बनाया आज भी वहाँ पर मेरी फर्स्ट रैंक है, और इसके नीचे कई हज़ारों रिकॉर्ड बने हुए हैं जो सारे के सारे रिकॉर्ड्स ही नीचे हैं। मैं अपने नाम के आगे सुरेश शर्मा पाई, जैसे अगर हम मेरी ये बुक भी आप देखेंगे तो सुरेश शर्मा पाई, या फेसबुक, इंस्टा या गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो सुरेश शर्मा पाई के नाम से ही मैं जाना जाता हूँ, क्योंकि पाई मैंने अपने नाम के आगे ऐड कर दिया। इसमें एक छोटी सी कहानी है कि जब चाइना ने ये रिकॉर्ड बनाया तो याददाश्त की क्षमता में सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है पाई का, तो इसने 67,890 डिजिट्स याद करके जब ये रिकॉर्ड बनाया तो इसने सोचा कि अब तो ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। तो अगर कोई तोड़ता भी है, कोई हिम्मत भी करता है, तो विद इन वन ईयर इन्होंने कहा कि विद इन वन ईयर ये रिकॉर्ड हम वापस चाइना के नाम कर देंगे। जब 2005 में इन्होंने बनाया तो अगर कोई तोड़ता है तो एक साल के अंदर अंदर वो रिकॉर्ड हम वापस चाइना के नाम कर देंगे। तो जब मैंने 2015 में ये रिकॉर्ड बनाया और इंडिया के नाम किया, तो मीडिया रिपोर्टर्स ने मुझे पूछा कि ये एक साल में आपका ये रिकॉर्ड वापस टूटने वाला है, तो आप क्या करेंगे ये रिकॉर्ड्स, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक साल में वापस तोड़ देंगे। लेकिन 2015 से आज हो गया 2021, तो अभी तक तो ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है, आप चेकआउट कर सकते हैं राइट नाउ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, है ना, तो तब तक तो ये रिकॉर्ड टूटा नहीं। और फिर मैंने उनको एक ही बात कही कि अगर ये एक साल में ये रिकॉर्ड बना रहे हैं तो मैं अगर इसको वापस रिकॉर्ड वापस बनाऊंगा और इंडिया के नाम करूंगा तो एक साल का टाइम नहीं लगेगा मुझे, केवल 10 डेज के अंदर ये जो रिकॉर्ड है वो इंडिया के नाम कर दूंगा वापस। अगर ये एक साल लेते हैं तो केवल 10 डेज में, बिकॉज भारत विश्व गुरु है हर चीज़ में, और यहाँ की वैदिक जो पद्धतियाँ हैं, वैदिक जो टेक्निक्स हैं, वो विदेश जा रही हैं और वहाँ से वो यूज करके हमारे ऊपर ही थोप रहे हैं, जबकि हम अनभिज्ञ हो रहे हैं, हम जान ही नहीं रहे उस ज्ञान को। हमें वो श्लोकाज याद नहीं करने हैं। जैसे मैं वैदिक पद्धति का नाम लेता हूँ तो लोगों के माइंड में आता है कि कुछ श्लोका है, कुछ मेडिटेशन है, कुछ प्रकृति में जाना पड़ेगा, कुछ पहाड़ों में रहना पड़ेगा, जंगलों में रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो टेक्निक्स थी वो उस टाइम और उस कंटेंट पे काम करती थी, लेकिन उन्हीं टेक्निक्स को आज के कंटेंट और आज के सब्जेक्ट्स, आज के स्टूडेंट पे कैसे अप्लाई करें ये मैंने सीख लिया है, और यही मैं सिखाता हूँ, इसी की मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि कैसे उन पद्धतियों को हम आज हमारे सब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं कि फटाफट हमें याद हो जाएं और हमारा कंटेंट, ना कि वो श्लोकाज। हाँ, श्लोकाज भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो श्लोका भी मैं याद करवा सकता हूँ आपको, पूरी की पूरी रामायण महाभारत के विदिन श्लोकाज मैं आपको याद करवा सकता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन आपको मैं याद करवा सकता हूँ, जो भी आप चाहें वो याद करवा सकता हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन की पावर इतनी है, जब हम उसको समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हम याद करने लग जाते हैं, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, केवल 20 to 25 hours अगर आप मुझे दे दो, यानी 20 to 25 days बोल दो, या 20 to 25 hours, बिकॉज आई टेक 1 hour क्लास पर डे, ठीक है, तो अगर वो आप दे दो तो 100% गारंटी के साथ, मनी बैक गारंटी के साथ आपकी मेमोरी, मेरी जो मेमोरी है उसकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये एक मैंने रिकॉर्ड बनाया, इसी वजह से दैट्स व्हाई आई यूज पाई आफ्टर माय नेम, ओके। और मैंने रिकॉर्ड्स बनाए डिजिट्स में, जैसे स्क्वायर रूट टू का एक रिकॉर्ड बनाया, स्क्वायर रूट टू की भी इसी तरह से वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक चलती है, ये भी एक अपरिमेय संख्या, इतना फेमस नहीं है पाई जितना, बट ये भी एक अपरिमेय संख्या, इसके भी रिकॉर्ड्स बनते हैं, स्क्वायर रूट टू, आयलर वैल्यू, देर आर मैनी इरेशनल नंबर्स, ओके।
इसका जो रिकॉर्ड था वो अमेरिका के एक व्यक्ति थे मार्क उमाइल, उनका नाम था मार्क उमाइल, और उन्होंने 5,544 डिजिट्स याद करके और ये रिकॉर्ड बनाया था। मैंने केवल एक दिन में मैंने डिजिट्स याद की तो उसे 3 घंटे का मैंने टाइम लिया और 5,632 डिजिट 5,632 डिजिट्स मैंने इसकी याद करके और ये एक दिन में मैंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और खुशी मुझे इस बात की है कि ये रिकॉर्ड मेरे स्टूडेंट्स ने 6,002 डिजिट से और 8,000 डिजिट से यही रिकॉर्ड मेरे दो स्टूडेंट्स तोड़ चुके हैं, अनुश्री शर्मा और अनुसुईया उपाध्याय। ये दो स्टूडेंट्स हैं मेरी, आप फेसबुक वगैरह पे जाके आप चेक कर सकते हैं, दोनों स्टूडेंट्स वहाँ पे ये रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक रिकॉर्ड बनाया 10,000 वर्ड्स का, जैसे ये वर्ड्स का मैंने यहाँ पे लिखा, तो कोई भी वर्ड्स जो ऑडियंस के माइंड में आते गए, जैसे मान लो कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, फ़ैन हो गया, सिंपल वर्ड्स या कोई भी वर्ड्स, तो वो मेरे सामने आते गए और 10,000 वर्ड्स को मैंने फॉरवर्ड में और रिवर्स में उनको रिकॉल कर दिया। दैट इज़ माई थर्ड रिकॉर्ड। तो 3 ये रिकॉर्ड मैंने बना रखे हैं। पीरियोडिक टेबल का मैंने एक रिकॉर्ड बना रखा है जिसको मैंने रिवर्स में रिकॉल किया था। और जैसे मैं अगर मेरे स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहां तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाए रखे हैं, अलग अलग कई और रिकॉर्ड बना रखे हैं। एक नक्षत्र नाम से, नक्षत्र शर्मा नाम से, उसने भी रिकॉर्ड बना रखा है। एक आयलर वैल्यू में, ई की वैल्यू में 2.71 जिसकी वैल्यू होती है, ये भी इन्फाइनाइट तक जाती है। लॉग का जो बेस होता है जैसे लॉग 10, तो ई जो बेस होता है वो उसको बोलते हैं आयलर वैल्यू ई, तो ये इन्फाइनाइट तक जाती है और ये भी पाई की जैसे ही इतनी फेमस है। तो 2.71 से इसके आगे 10,000 डिजिट्स तक मेरा एक स्टूडेंट है अक्षत खांडल, उसने याद करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और एक और स्टूडेंट है राहुल शर्मा, जिसने आयलर वैल्यू की 25,000 डिजिट्स याद करके और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। और अभी फर्स्ट रैंक पर यही मेरा स्टूडेंट है 25,000 डिजिट्स। जहाँ पाई वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट चेक करेंगे वहीं पे एक कॉलम है स्क्वायर रूट 2, उसमें आप मेरा ये वाला रिकॉर्ड देख सकते हैं, और उसी में एक कॉलम है आयलर वैल्यू ई वैल्यू, तो ई वैल्यू में इन दोनों का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरी फेसबुक पे चेक करेंगे तो इन दोनों की मीडिया रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाएगी। तो देर आर मैनी रिकॉर्ड्स, तो ये सब जगह कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। केवल जानने और ना जानने का फ़र्क है, ये कोई इनबिल्ड टैलेंट नहीं है या इनबोर्न टैलेंट नहीं है, ये आप मेमोरी ट्रेनिंग से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं कि अगर इस तरह से रिकॉर्ड बन सकते हैं तो क्या हमारी बुक्स भी याद हो सकती हैं। बिल्कुल याद हो सकती हैं। जैसे एक बुक मैंने ये बुक मैंने एक लिखी है, इस बुक का नाम है विचार जो बनाए जिंदगी, तो द बेस्ट मोटिवेशनल पोइम्स। तो इसमें मोटिवेशनल पोइम्स का कलेक्शन है, ठीक है। इसमें जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो मैं, जैसे अभी मैंने जब स्टार्ट किया वीडियो तो मैंने एक पोइम बताई कि ए यार मेरे इस दुनिया में ऐसी तो कोई बात नहीं जिसका सवेरा ना हो, ऐसी तो कोई रात नहीं। तो ऐसे कई पोइम्स हैं जो ये जो पोइम है 402 पेज नंबर पे है, जैसे ये देखो 402 पेज नंबर पे ये पूरी की पूरी पोइम है, इफ़ यू कैन सी इट सॉरी बट है ना। तो ये पूरी की पूरी जो बुक है ये मुझे पेज नंबर सही याद है। इसमें से जब हम ऑडियंस में होते हैं, जब हम सेमिनार देते हैं, तो ये पूरी की पूरी बुक मैं ऑडियंस के हाथों में देता हूँ और वो पूछते हैं, कोई भी रैंडमली पेज उन्होंने खोल लिया और पेज नंबर बोल दिया उन्होंने, उस पेज नंबर पे क्या लिखा वो पूरा का पूरा मैं उनको बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक एक छोटा सा डेमो कर लेते हैं, कोई भी पेज नंबर मैं रैंडमली खोलता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने कुछ पहले से फिक्स किया हो, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे खोलना ही पड़ेगा कोई ना कोई पेज, तो क्योंकि आप पूछ नहीं सकते उसमें से। अगर आपको कभी कोई डाउट लगे तो यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। यू कैन कम हियर एंड यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक दिस बुक इन योर हैंड एंड यू कैन हाइड इट फ्रॉम मी, और आप पूछ सकते हैं कि सर इस पेज नंबर पे इस लाइन में क्या लिखा हुआ है या इस लाइन के बाद में क्या लाइन लिखी हुई, कोई भी पेज नंबर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रैंडमली मैं आपकी संतुष्टि के लिए एक बार एक पेज खोल रहा हूँ, और वैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं ये चीज़ कि सुरेश सर इस तरह से डेमो देते हैं। जब मैं सेमिनार में होता हूँ तो ये बुक्स मैं स्टूडेंट्स के हाथ में देता हूँ, और कई वीडियोज में आप देख भी सकते हैं, हो सकता है यूट्यूब पर भी कोई वीडियो हो, तो बुक के पेज नंबर पे क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। और ऐसा नहीं करा मैं कि केवल ये मैं ही कर सकता हूँ, ये आप भी कर सकते हैं, बट आफ्टर गेटिंग योर ब्रेन ट्रेंड। तो मैं एक रैंडमली कोई भी पेज खोलता हूँ, मैं केवल पेज नंबर देखूंगा, उस पर क्या लिखा है वो आप देखिएगा, ठीक है, वो मैं रिकॉल करूंगा। तो कोई भी रैंडमली पेज, यहाँ पे मैंने कुछ भी फिक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है, सॉरी बट मुझे ये करना पड़ रहा है आपको बिलीव दिलाने के लिए। 411, ठीक है, तो ये 411 पेज नंबर है, ठीक है, और लेट मी क्लोज माय आईज। तो और इस पे लिखा हुआ है
आज बदलने से तो बदलता किस्मत का भी लेखा है, आज को कर ले तू अपना कल को किसने देखा है। खुशी मिले तो चल गम मिले तो चल, खुशी मिले तो चल गम मिले तो चल। याद रख मंजिल कभी खुद तेरे पास नहीं आएगी, तुझे ही चलना होगा और चलते चलते मंजिल तुझे मिल जाएगी। कर मेहनत मेहनत से तो बदलती हाथों की भी रेखा है, आज को कर ले तू अपना कल को किसने देखा है। तो ये इसके अंदर एक पोइम लिखी है। इसके बाद में कुछ कोटेशंस लिखे हुए हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत करें। और जब भी लोग आपको बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हो। और इसमें एक लास्ट कोटेशन लिखा हुआ है कि 95% लोग इतिहास पढ़ते हैं तो 5% लोग इतिहास रचते भी हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे? तो आपने देखा कि पेज नंबर आपने बोला और उस पेज नंबर पे एज इट इज जो भी लिखा था मैंने लाइन टू लाइन पूरा का पूरा रिकॉल कर दिया। और एक बार टेस्ट कर लेते हैं कोई भी पेज नंबर, ठीक है, कोई भी पेज नंबर मैं खोल रहा हूँ रैंडमली, कोई भी पेज नंबर, ठीक है, 447। तो 447 आप देखिएगा, 447 मैंने आपके सामने खोला है। एंड लेट मी सर्च इट इन माई गूगल। ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में वो फ़कीर जिंदा रख। लालच डिगा ना पाए तुझे आँखों में वो नीर जिंदा रख। इंसानियत सिखाती है जो मन में वो पीर जिंदा रख। हार जा चाहे सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। उसके बाद में लिखा हुआ है बहना है तो बह जा मगर सागर में जा मिलने की वह चाह जिंदा रख। मिटता है तो आज मिट जा इंसान मगर मिटने के बाद भी इंसानियत जिंदा रख। और उसके बाद में लिखा हुआ है कामयाबी मेहनत से मिलती है, किस्मत तो सट्टे में काम आती है। एंड द लास्ट कोटेशन इज बी पेशेंट, लंबी दूरी तय करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो पूरा का पूरा एज इट इज मैंने सेंटेंस बोल दिया, ठीक है, तो पूरा का पूरा पेज आ गया। तो इसी तरह से मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो उनकी बुक्स को याद किए हैं। अब ये तो एक मोटिवेशनल पोएम की बात हो गई, इसी तरह से मैंने कई अलग अलग और बुक्स याद कर रखी हैं। जैसे एक ये वोकैब की पूरी बुक मैंने याद कर रखी है, इसको भी मैंने पेज नंबर से याद कर रखी है। और इसमें वोकैब जैसे ईडियम फ्रेजेस से स्टार्ट होती है और अलग अलग तरीके से मैंने ये जैसे वोकैब वगैरह इसमें ऐड कर रखी है। तो इसको भी मैंने पूरा पेज नंबर से याद कर सकता हूँ क्या हुआ है। तो आप कोई भी पेज नंबर बोलेंगे उस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है मैं एज इट इज़ उसका रिकॉल कर दूंगा। ये ऑलरेडी मैं करता हूँ जब हमारे सेमिनार होते हैं तो ऑडियंस के हाथों में होती हैं ये बुक्स, मेरे हाथों में नहीं रहती, ऑडियंस के हाथों में होती है। और वो कोई भी रैंडमली पेज खोलते हैं और वो पूछते हैं कि इस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैंने वोकैब ली है ये केडी कैंपस एक इंस्टीट्यूट है और उनके ओनर है नीतू सिंह जी, और उनकी एक बुक है फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। तो फ्रॉम प्लिंथ मैं पैरामाउंट इस बुक का नाम है, उसमें से पूरी की पूरी वोकैब मैंने इसमें डाल रखी है और उसको पेज नंबर सही याद कर रखा है। एक मेरा स्टूडेंट है जिसने पूरी की पूरी जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है मीडियम वाली उसको पेज नंबर सही याद की हुई है। मतलब जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप ऑटोमेटिकली याद कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी बुक मुझे याद कर सकते हैं, यू कैन कम एंड आस्क मी विद पेज नंबर, ठीक है। सॉरी बट आई थिंक आई हैव चेंज द एंगल ऑफ द कैमरा। एंड द सेकेंड बुक इज अबाउट केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की पूरी बुक है और इस केमिस्ट्री की बुक को भी मैंने पेज नंबर सहित एज इट इज मैंने इसको याद किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें ऑर्गेनिक फॉर्मूला से स्टार्ट होती है, कोई भी पेज नंबर आप बोलेंगे उस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको एज इट इज आपको बता दूंगा। इसमें जैसे नेम रिएक्शंस वगैरह लिखी हुई है, जैसे अभी जब मैं बोल रहा था तो 149 पेज मुझे याद आया था और आपको याद होगा मैंने बोला था कि सैंड माई रिएक्शन है, कार्बिलेमिन अभिक्रिया और कैनिजर अभिक्रिया है, ये तीनों का नाम मैंने लिया था। इन तीनों को मैं डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ बोर्ड पे। जो भी आप पेज नंबर बोलेंगे उस पेज नंबर में पूरा का पूरा क्या लिखा हो वो मैं आपको एज इट इज़ बिना देखे आपको बता सकता हूँ। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, केवल पेज नंबर से आप पूछ सकते हैं। तो इनको मैंने केमिस्ट्री पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल मैंने इसमें डाल रखी है, पीरियडिक टेबल मैंने याद कर रखी है। आप कोई भी नंबर बोलेंगे तो उसका एलिमेंट मैं आपको बता दूंगा, कोई भी एलिमेंट बोलेंगे तो उसका नंबर मैं आपको बता दूंगा, या कोई भी पेज नंबर आप बोलेंगे तो उस पेज नंबर पर क्या लिखा हुआ है मैं एज इट इज़ आपको बता दूंगा। तो इस तरह से अलग अलग मैंने इसमें पैराग्राफ वगैरह केमिस्ट्री की काफ़ी चीज़ें इसमें इंग्लिश और हिंदी के पैराग्राफ्स वगैरह कुछ भी जो भी हमें याद करना रहता है वो हमने इसमें ऐड कर रखा है। इसके बाद में मैंने एक और बुक मैंने याद कर रखी है, वो है मैथ्स और फिजिक्स के फॉर्मूलाज। मैथ्स और फिजिक्स के फॉर्मूलाज देखो, मैथ्स में कैलकुलेशन हमें याद नहीं करना है बट
हमें क्या करना है, उसके फॉर्मूलाज तो ऑटोमेटिकली हमें याद रहने चाहिए, फॉर्मूलाज और उसके फैक्ट्स वगैरह, ये रूल्स वगैरह हमें याद रहने चाहिए ताकि हम इजीली उनको कवर कर पाएँ। तो इसको भी मैंने पूरा का पूरा पेज नंबर सहित याद किया हुआ है। कोई भी पेज नंबर पे आप पूछेंगे, जैसे समाकलन में अवकलन के फॉर्मूलाज हैं और ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, काफ़ी ट्रिकी और टफ होते हैं याद करने के लिए, कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो उनमें आप ईजिली याद कर सकते हैं। ये ग्राफ वगैरह कोई भी पेज नंबर पे आप बोलेंगे, उस पेज नंबर पे क्या लिखा हो मैं एज इट इज आपको बता सकता हूँ, और आप भी इसको इसी तरह से याद कर सकते हैं। फिजिक्स के फॉर्मूलाज वगैरह हो गए, डेरिवेशंस हो गए, ग्राफ वगैरह हो गए, तो कोई भी चीज़ आप डेफिनेशंस हो गई तो उनको आप ईजिली आप याद कर सकते हैं, रूल्स वगैरह। तो ये फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं। देन द नेक्स्ट बुक इज़ अबाउट जीके। तो ये पूरी की पूरी बुक है, इसमें जीके इंक्लूडेड है। जीके के फैक्ट्स इनसे फिक्स डेट से स्टार्ट होता है। अगर आप ये पेज नंबर बोलेंगे तो मैं सारे के सारे ये जो पेज पे लिखा हो वो रिकॉल कर दूंगा। अगर आप डायरेक्टली पूछेंगे विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, तो मैं आपको डायरेक्ट डेट बता दूंगा, या आप पूछेंगे कि इसके बाद में क्या लिखा है, इससे पहले, जैसा भी आप पूछना चाहें, क्योंकि ऑडियंस ये पूछती हैं। जैसे इसके बाद में सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सारे प्रेसिडेंट्स हैं, सारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो इस तरह से ये स्टेट एंड कैपिटल्स हैं, स्टेट एंड एरियाज हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स और उनके एरियाज। अब अगर आप कोई भी नंबर बोलेंगे तो उसका पूरा पेज मैं रिकॉल कर दूंगा, सभी स्टेट्स उसके एरिया में रिकॉल कर दूंगा, या आप एरिया बोलेंगे तो मैं स्टेट का नाम बता दूंगा, स्टेट का नाम पूछेंगे तो मैं उसका एरिया बोल दूंगा, जैसा भी आप पूछना चाहें, क्योंकि देखो एग्जामिनर तो कैसे पूछ सकता है। तो हमारा ब्रेन हर तरीके से ट्रेन होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स वगैरह मैंने इसमें ले रखे हैं। उसके बाद में पैराग्राफ्स हैं, इंडिया लेवल और स्टेट लेवल के, इसमें जीके के पैराग्राफ्स मैंने डाल रखे हैं, जो नॉर्मली कंपटीशन का जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अगर आप, तो उसमें आते हैं, और उसमें ये काफ़ी चीज़ें हमें ऐसी याद करनी रहती है। तो इनको मैंने पूरा पेज नंबर सहित याद किया हुआ है। कोई भी पेज नंबर आप पूछेंगे तो उस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको एज इट इज बता दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल डिजिट्स और वर्ड्स ही से याद हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जो भी आप मुझे देंगे वो मैं आपको याद करके बता सकता हूँ, और आप भी उसको ईजिली उसी तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसी तरह से एक ये मोटिवेशन की अलग से एक पॉइंट की बुक है, और इसको भी मैंने पूरा का पूरा याद किया हुआ है पेज नंबर से। और इस बुक में सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, इंग्लिश भी है इसमें, केमिस्ट्री भी है इसमें, फिजिक्स भी है इसमें, मोटिवेशन भी है इसमें, जीके भी है, सारी की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। इसको भी आप पूरा का पूरा पेज नंबर सहित पूछेंगे तो ये 500 पेजेस की बुक है, इसको भी आप पूछ सकते हैं। तो कभी भी, तो ये कहने का मतलब है कि ये अकेला मैं नहीं करता, ये आप भी कर सकते हो, और ऐसे ऑलरेडी कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ करते हैं। बट कैसे, देखिए मैं थोड़ा सा और आपको आगे ले जाता हूँ, और इस कोर्स में जैसे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि जो हमारा दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, वर्ड्स और डिजिट, इनके अलावा भी हमारे कई पैटर्न्स होते हैं, हमारी बुक्स में पैटर्न्स होते हैं। जैसे सबसे पहला पैटर्न होता है नंबर टू वर्ड, कोई भी नंबर और उसके सामने वर्ड। जैसे मान लो कि पीरियडिक टेबल जब हम याद करते हैं, तो पीरियडिक टेबल में क्या होता है, कोई भी नंबर होता है और उसके सामने हमें वर्ड याद करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी नंबर आप इमेजिन करो, मान लो कोई भी नंबर आपके माइंड में आ रहा है, जैसे 84, तो 84 पे है पोलोनियम, या कोई भी 89 पे एक्टिनियम, 74 टंगस्टन, 94 प्लूटोनियम, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आप नंबर बोलेंगे तो उस नंबर पे ऑटोमेटिकली, ये ऐसा नहीं है कि मुझे याद है, ये सब जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने क्लास ली है, ये सबको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, क्योंकि ये पैटर्न मैं जब सिखाता हूँ तो उसके फॉर एग्जाम्पल मैं पीरियडिक टेबल ही याद करवाता हूँ, ठीक है। तो 84 नंबर में जैसे पोलोनियम है, तो ये 84 क्या हो गया, एक नंबर, और इसके सामने क्या लिखा हुआ, एक वर्ड। तो नंबर टू वर्ड को हम कैसे याद करते हैं ये मैं यहाँ सिखाता हूँ। जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, आपकी बुक में या आपकी लाइफ में कभी भी नंबर, उस कोई भी नंबर के आगे कोई भी वर्ड आपको याद करना रहेगा तो आप इजी वे में आराम से उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई और वर्ड हो पोलोनियम के अलावा तो उसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। देन दूसरा पैटर्न मैं लेता हूँ वर्ड टू वर्ड, कोई भी वर्ड है और उसके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि कोई भी स्टेट का नाम, जैसे मान लो तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, अभी तेलंगाना की हैदराबाद, ठीक है। तो तेलंगाना ये क्या हो गया, वर्ड, और हैदराबाद भी क्या हो गया, एक वर्ड। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं वर्ड टू वर्ड, कि एक वर्ड है और उसके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है। तो जब आप बुक खोलेंगे तो ऐसे कई पैटर्न्स आपको उसमें मिलेंगे। तो ये वर्ड टू वर्ड कैसे याद करते हैं, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली अपने जो सब्जेक्ट में वर्ड टू वर्ड रहेंगे वो याद करना आ जाएगा, और इजी वे में आप आराम से याद कर सकते हैं। आप खोजने लगेंगे कि कहाँ है वर्ड टू वर्ड, और मुझे आज की याद करना है, और सारे के सारे आप एक ही दिन में याद करके रख देंगे जब वो टेक्निक आप जानेंगे, इतनी ईजी टेक्निक्स है। देन हम सीखेंगे वर्ड टू मोर देन वर्ड, कोई भी वर्ड है और उसके आगे एक से ज़्यादा वर्ड हमें याद करना है। जैसे मान लो कि ब्रेन पार्ट्स हैं, तो ब्रेन एक वर्ड हो गया, और उसके आगे मान लो सेरेब्रम है, स्कल है, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला, पोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन से इतने वर्ड हमें याद करने हैं,
एक वर्ड हो गया ब्रेन और उसके आगे 4, 5, 10, 15, 20 वर्ड, ठीक है, वो हमें याद करने। तो वो हम कैसे याद करें, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, आपकी बुक में कभी भी कोई टॉपिक है और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसी कोई चीज़ें हमें याद करनी रहे तो आप इजी वे में ये वाली टेक्निक आप यूज़ लेके और उसको कर सकते हैं। देन अगर बहुत से वर्ड्स आपको एक साथ याद करने हैं, जैसे मान लो कि आपको पूरी की पूरी एशियन कंट्रीज याद करनी है या सारी की सारी एशियन कंट्रीज जितनी भी वर्ल्ड में है वो आपको याद करनी है, तो एशियन कंट्रीज पूरी की पूरी मैं याद करवाता हूँ इसमें, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे हम बहुत से वर्ड्स एक साथ याद कर सकते हैं, कैसे मैंने 10,000 वर्ड्स मैंने याद किए, ठीक है। तो वो सारी की सारी टेक्निक इसमें है। देन उसके बाद में मैं आपको सिखाता हूँ कि डिजिट्स कैसे याद करें। डिजिट्स जैसे मैं वो अभी व्हाइट बोर्ड पे हमने डिजिट्स लिखी, वो मैंने कैसे, वो कैसे याद करता हूँ, या 70,030 डिजिट्स जो मैंने याद करके जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो मैंने डिजिट्स का क्या मेथड होता है याद करने का, मोबाइल नंबर कैसे याद करें, गाड़ी के नंबर कैसे याद करें, या कोई भी डिजिट पासवर्ड वगैरह कैसे हम याद करें, तो वो सारी डिजिट में आ जाता है। उसके बाद में होता है वर्ड टू डिजिट, कोई भी वर्ड और उसके सामने डिजिट, जैसे मान लो कि तेलंगाना है और तेलंगाना का जो एरिया है वो है 112077, तो ये जो एरिया है ये हम कैसे याद करें, जैसे ये तेलंगाना तो क्या हो गया एक वर्ड और इसके सामने क्या लिखी हुई है डिजिट्स, तो ये पैटर्न हो गया वर्ड टू डिजिट। तो ये वर्ड टू डिजिट हम कैसे याद करें ये मैं यहाँ पे सिखाता हूँ आपको, वर्ड टू डिजिट, ठीक है। तो कोई भी वर्ड के आके कभी भी कोई भी आपको डिजिट, जैसे कोई वॉर हो गया और उसका ईयर अभी याद करना है तो वो आप वर्ड टू डिजिट में याद कर सकते हैं। देन मैं आपको सिखाता हूँ डिजिट टू डिजिट, कोई भी डिजिट और उसके सामने अगर डिजिट लिखी हुई है, जैसे मान लो कि 29 है और उसका स्क्वायर क्या है 841, तो 29 क्या होगी एक डिजिट और इसका स्क्वायर क्या हो गया, ये भी क्या हो गया डिजिट, तो 841 भी क्या हो गया डिजिट, तो दोनों तरफ डिजिट टू डिजिट। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपको कभी भी डिजिट के आगे कोई डिजिट याद करनी रहेगी तो वो कैसे याद करें वो यहाँ पे हम सीखेंगे। देन आई विल टीच यू हाउ टू मेमोराइज पैराग्राफ, पैराग्राफ हम कैसे याद करें कि कोई भी, इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो कि शॉर्ट पैराग्राफ कैसे याद करें, मीडियम पैराग्राफ कैसे याद करें, या लॉन्ग पैराग्राफ कैसे याद करें, पूरी की पूरी बुक को पेज नंबर से कैसे याद करें, तो ये टेक्निक्स आपको यहाँ मिलेगी। ये सारी बेसिक टेक्निक होती हैं यहाँ तक, इसके बाद में सारी एडवांस टेक्निक होती हैं। तो यहाँ तक आपको पैराग्राफ याद करना आ जाएगा। उसके बाद में आपको सिखाऊंगा फिक्स डेट्स कैसे याद करें। फिक्स डेट्स माना कोई भी फिक्स डेट है, जैसे मैंने अभी बताई थी वर्ल्ड डायबिटीज डे है ना, तो मधुमेह दिवस कब होती है, तो 14th of November है ना, तो ये एक फिक्स डेट हो गई, इसको याद करना है, इसमें समझने का कुछ नहीं रहा, बस याद करना। अगर आपको याद है तो आप मार्क्स आ सकते हैं आपके, अगर नहीं याद है तो फिर नहीं। तो फिक्स डेट्स हम कैसे याद करें ये मैं आपको सिखाता हूँ, तो इस तरह से। उसी के बाद मैं आपको सिखाता हूँ वोकैब कैसे याद करें, वोकेबलरी कैसे बिल्ड करें, आप एक दिन की 500 वोकैब कैसे याद कर सकते हैं, एक दिन की 100, 50, 500, 1000 जितनी भी वोकैब आप याद करना चाहें उसको आप कैसे याद कर सकते हैं, तो वोकैब की अलग से मैं टेक्निक आपको बताता हूँ। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैलेंडर, कैलेंडर में कोई भी डेट है और कोई भी मान लो कोई डेट दे और उस डेट को क्या डे था, जैसे 9th of August 1994, तो इसके दिन मंगलवार था है ना, तो ये ट्यूसडे, तो ये कैसे निकाले फास्ट, ये मैं कैलेंडर में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न्स होते हैं हमारी बुक में, ये पैटर्न्स होते हैं, और इन पैटर्न्स को कैसे हम याद करें ये मैं जो 25 to 30 days का मेरा कोर्स है उस कोर्स में आपको मैं सिखाता हूँ, और ये 100% मनी बैक गारंटी के साथ ये सारे के सारे पैटर्न्स आपको याद करने आ जाऊँगा। और इनकी टेक्निक्स इतनी ईजी है कि एक 10 साल का बच्चा भी आराम से इनको याद कर सकता है और उसको याद करने में पूरी लाइफ टाइम कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न्स होते हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपको पूरा का पूरा आपको याद करना आ जाएगा या 30 दिन बाद में आपकी मेमोरी बढ़ना स्टार्ट होगी, नहीं, पहले दिन ही आपको याद करना आ जाएगा। जैसे नंबर टू वर्ड है तो इसमें दो चीज़ें मैं सिखाता हूँ, सिंपल वर्ड कैसे याद करें और हार्ड वर्ड्स कैसे याद करें। सिंपल वर्ड जैसे मान लो 1 नंबर पर चेयर है, 2 नंबर पर लैपटॉप है, 3 नंबर मोबाइल, तो कुछ भी ऐसा वर्ड हो तो उनको सिंपल वर्ड्स को हम कैसे याद करें, या फिर पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल या हार्ड वर्ड्स या कॉन्स्टिट्यूशंस ये हम कैसे याद करें नंबर वाइज, तो ये मैं सारे टेक्निक उसमें मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो अभी तो आप नहीं पूछ सकते लाइव, तो बट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर और यू कैन सेंड मी ए मेल एंड दैट मेल यू कैन गेट फ्रॉम माई वेबसाइट, ओके, और आई कैन टेल यू। तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो है 7615964850, ठीक है, और मेरी मेल आईडी है sksharmaeducation@gmail.com, sksharmaeducation@gmail.com, ठीक है। और सबको छोड़िए वेबसाइट है मेरी sureshsharmapi.com, ठीक है, sureshsharmapi, बिकॉज आई यूज pi, बिकॉज आई हैव मेड दैट रिकॉर्ड और दैट रिकॉर्ड विल बी on my name, that's why I have added this pi, I already described you, so pi.com, okay,
pi.com नहीं है, सुरेश शर्मा pi.com। तो इस वेबसाइट पे मेरी और भी जो जैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनके टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे, उनके फीडबैक्स आपको मिल जाएंगे, और भी कई यूट्यूब पे मेरे जैसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनकी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएगी, स्टूडेंट्स के साथ फ़ोटोज़ मिल जाएगी, और उसमें मेरे बारे में और आपको जानकारी मिलेगी। तो आप वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, देयर यू कैन गेट माई नंबर एंड यू कैन गेट माई ईमेल ऑल्सो। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो तो यू कैन गेट इट क्लियर। ओके, क्योंकि जब सेमिनार में होते हैं, लाइव होते हैं, तो स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, बट यहाँ तो यही ऑप्शन है, तो इसीलिए ये बताना पड़ता है। चलिए, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं और एक लाइव ऑनलाइन क्लासेज हैं, दैट यू कैन टेक ऑन जूम और गूगल मीट। ओके, तो लाइव क्लासेज हैं या फिर मेरी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं। ठीक है, तो अगर आपकी क्वेरी है, इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, और देयर आई कैन टेल यू वट इज़ द फीस स्ट्रक्चर, ओके, एंड वॉट सूट्स यू। ओके, लाइक अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो के साथ जाना है तो कम बजट में आपका काम हो जाएगा, ऑल द क्लासेज आर द सेम। ठीक है, और अगर आपको नहीं, सर मुझे तो लाइव क्लासेज चाहिए, क्योंकि लाइव क्लासेज में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, एडवांस कुछ टेक्निक्स और होती है, तो वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ, तो लाइव क्लासेज लेती हैं, तो उन लाइव क्लासेज में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी देखो मैं आपको ये डिजिट्स का जो मैंने डेमो दिया, बट मैं नहीं दे सकता क्योंकि आप मुझे डिजिट्स नहीं बता सकते, मुझे नहीं पता आप कौन से डिजिट सोच रहे हैं, लेकिन कभी अगर आपका मन करें तो आप मुझे फ़ोन करें, आप डिजिट बताएं, मैं याद करूंगा, और लाइव जूम पे हम एक डेमो कर सकते हैं। कभी आपका मन करे कि सर मुझे डेमो देखना है, तो बुक्स का भी हम डेमो कर सकते हैं, और डिजिट्स का, वर्ड्स का, किसी का भी हम डेमो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं तो ये कहता हूँ 100% गारंटी के साथ आपको याद होने लग जाएगा, तो आपको अगर याद नहीं हो तो यू कैन टेक योर मनी बैक, बट यू हैव टू फॉलो टू रूल्स, यू हैव टू बी रेगुलर एंड यू हैव टू डू वॉट एवर आई से टू डू। आपको एक तो रेगुलर रहना है, मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, दूसरी चीज़ आपको करनी है कि जो मैं कहूँ वो आपको करना है। मैं जैसे मान लो कि एक घंटे की क्लास हो गई और उसके बाद में मान लो 10 से 15 मिनट का काम मैं आपको दूंगा घर पे करने के लिए, होमवर्क, एज ए होमवर्क, वो आपको करना रहेगा। अगर ये दो चीज़ आप करते हैं, ये दो चीज़ अगर आप करते हैं, तो यू कैन बी माई कॉपी, आई मीन इट एक्चुअली। ठीक है, तो ये आप इजीली आपकी मेमोरी इंप्रूव कर सकते हो, और पहले दिन से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले दिन से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पैटर्न्स मैंने बताए, इनको स्टेप बाय स्टेप हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए, कुछ लाइंस मेरे शिक्षकों को लिए कहूँगा, मेरे गुरुओं के लिए मैं कहूँगा कि यदि सारा आकाश कागज बना दिया जाए, सारे पेड़ कलम बना दिया जाए, और संसार के सारे लोग लिखने भी बैठ जाए, तो भी वे उस ज्ञान को नहीं लिख पाएंगे जो हमारे गुरुओं ने हमें दिया, जो हमारे शिक्षकों ने हमें दिया। तो एक बार जोरदार तालियां और नमस्कार हमारे गुरुओं को। दरा हिला, गगन गुंजा, नदी बहा, पवन चला, कुछ भी कर, विजय तेरी हो, विजय तेरी हो, विजय तेरी हो। ज्योतिषी जल जला, भुजा भुजा, फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तो सबसे पहला वार कर, रुके ना तू, झुके ना तू, थके ना तू, थमे ना तू। हे मानव, तू शेर के सामने जाने से भी मत डरना, ये बहादुरी की परीक्षा है। तू तलवार का सामना करने से भी भयभीत मत होना, ये त्याग की कसौटी है। तू पर्वत शिखर से पाताल में कूदते मत डरना, ये तप की परीक्षा है। और तू धधकती ज्वालाओं में जाने से भी मत डरना, ये स्वर्ण परीक्षा है। अरे कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं, कुछ लोग काम को अंजाम होते हुए देखते रहते हैं, और कुछ लोग ये अचरज करते हैं, ये काम अंजाम तक पहुँचा कैसे। अरे 95% लोग इतिहास पढ़ते हैं, तो 5% लोग इतिहास रचते भी हैं। आप कौन से कैटेगरी में आना चाहोगे, और आप जब भी आ सकते हैं उस 5% वाली कैटेगरी में, जब जो 90% वाला जो पावर है, जो हमारा राइट वाला जो पहिया है, उसको आप सेम डायरेक्शन में लेके आओगे, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में आपका ब्रेन को लाना ही आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो उसका ट्रेनिंग आपको लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि समस्या किसी बात को याद रखना या याद करना नहीं है, समस्या ये है कि याद की हुई बात समय पर याद नहीं आती है, और बात उसी की होती है इस जग में, बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो अपने अंदर कुछ बात, हर किसी में कुछ ना कुछ बात है, बस देर है उसको पहचानने की, उसको निखारने की। तो माइंड अगर यहाँ से निखरेगा तो आपका पूरा का पूरा करियर, आप जहाँ हैं उससे एक स्टेप आगे ही जाएंगे, पीछे तो नहीं जाएंगे, जहाँ हैं उससे एक स्टेप आगे तो जाएंगे आफ्टर जॉइनिंग दिस कोर्स। ठीक है स्वामी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी एक ही चीज़ कही है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो,
उस विचार के सपने देखो, उस विचार को जियो, उस विचार को अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डूब जाने दो, बाकी सभी विचार किनारे कर दो। यही सफल होने का एकमात्र तरीका है। एक छोटी सी पोइम मुझे और याद आ रही है, वो भी मैं सुनाऊंगा, बस वी आर गोना सम अप दिस सेमिनार। ओके, सो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि जीवन पथ जटिल है, ये काल चक्र कठिन है, पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पांव हैं। किसी के पास छल कपट है तो किसी को रूप का वरदान है, ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है। बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है कि प्राण अभी शेष है, मान अभी शेष है। उठा ले ज्ञान का धनुष, एक कण भी और कुछ मत मांग भगवान से। ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय का तिलक, काल के कपाल पे लिख दे तू ये गुलाल से। कि कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा मुझे, हक छीनता है अब छीन के बता मुझे। ज्ञान के इस मंच पे सब एक समान है, विधि के विधान को पलट दे वो ब्रह्म शास्त्र का ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप दादा का नाम काम आता है। केवल ज्ञान ही आपको अपना हक दिलाता है, केवल ज्ञान ही आपको अपना हक दिलाता है। तो कोई भी आपको डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑनलाइन, ठीक है। और वही होता है सूरमा इस दुनिया में, वही होता है सूरमा इस दुनिया में। दिस इज द एंड लाइन ऑफ आवर सेमिनार, ठीक है। आफ्टर दिस वी आर गोना गेट इट ओवर। ओके, सो वही होता है सूरमा इस दुनिया में, जो अपनी राह खुद बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है। Thank you very much for joining me and listening.